कुछ दोस्तों जो हम इमोशंस को दबा रहे हैं ये कहीं ना कहीं लीक करेंगी, हमेशा नहीं दबी रहेंगी। हमारी दबी हुई इमोशंस हमारी बीमारी का भी कारण हो जाती हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इमोशंस को फ्लो करने देना है। दोस्तों इमोशंस जो हैं हमारी कौन सी बॉडी में, आप ये बताइए, आपकी फिजिकल बॉडी में आपकी इमोशंस नहीं है, जो आपकी इमोशनल बॉडी है, जो आपकी सेकंड बॉडी है। पहला शरीर कौन सा होता है दोस्तों? पहला शरीर है आपका अन्नमय कोशा। दूसरा शरीर कौन सा होता है? दूसरा शरीर है आपका प्राणमय कोशा। उसके बाद आपका है मनोमय कोशा। इस तरह से आपके कई कोश हैं, कई अनियन की लेयर्स हैं। तो ये जब आपकी इमोशनल बॉडी में इमोशंस बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, देखिए हमको हमेशा इनकरेज किया जाता है कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस मत कीजिए, फिर हमारी कभी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये दोस्तों जो हम इमोशंस को दबा रहे हैं ये कहीं ना कहीं लीक करेंगी, हमेशा नहीं दबी रहेंगी। एक लिमिट होती है किसी अलमारी को भरने की, वो अलमारी पूरी तरह भर गई, आपकी इमोशंस जितनी इकट्ठी हो सकती थी होती गई, उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई कपड़ा कहीं ना कहीं से जगह बना के बाहर निकल ही आएगा। हमारे इमोशंस की यही कहानी है दोस्तों।